नमस्कार मिराने शुभसंध्या तो अठादशासहमर्ष से ये प्रश्नपत्र आसित तर प्रश्नपत्र प्रथम सत्र वाय चंश्ना आलोचना करतव सांप्रतम अवशिष्ट ये प्रश्न सब विंशति प्रश्ना ये खलु व्याकरण साहित्यसंपर्के प्रश्ना सां चर्चा कुर तेरंभ कूँ तई ते प्रथम प्रश्न अस्त दृशुर्हती गच्छति या सा एक कौत एकपति करणीय करणीय अस्त गच्छति या सा का चुरी विकल सी द्रष्टुमर्हती गच्छत गच्छन गच्छन्ति गच्छन्ति तरी वदंत अत्र सम्यक् विकल्प भवति गच्छति या सा का उत्तर दर्शनात् पूर्वम् अत्र अवगच्छन्तु एकवारं यत्र किमस्ति इति अत्र प्रमुखरूपेण किमस्ति शत्रु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति स्मरण तो एक से प्रयोग अस्तु प्रत्यय से प्रोग अम्य वो सभी जानी ग्छी अतर कि अन्े ये विकेप विकल किम नदी ज्ञात यथ गा गम धा अन शत्रु प्रत्यय से आगमन होती तद शुद्धर की कंती नपुंसकिंगे अथवा एक मूलरूपति यदा गम धातु तो शत्रुभतयात्म पुलिंग से प्रयोग होती तस्च्य है ग्छन उच्य है तस्मु कि ग्छनि आग्छति अनतर स्त्रीलिंग से प्रयोग होती तस् तछती शुद्धमुर आग्छति अतः शुभप्रतय योज योजन पुलिंग कंती ग्रत्रीलिंग ग्छती तथे उत्तराण्य लिखिम कमेंट बॉक्स मध्ये पट धा तो अनतर किम शत्रु प्रत्यय से प्रयोग होती तदा कि तथा लिख धातु यदा शत्रु प्रत्यय से प्रयोग होती तद कि उत्तराणि कमेंट बॉक्स मध्य लिखित अत्र यदि यदि ये किंचित चिंतनीय यहाँ यानी कारण सागत ये तम उत्तर साम्य स्था गि प्रयोग भवितम अस्त परवर्ती प्रश्न पशा अत्र अत प्रश्न कौती कि उपध शब्दस्य को अर्थ उपधित शब्द से कि आगती अर्थ कि आगे मूलरूपेणस्ति अस्मक वेम तो जानी उपधई य उपधित शब्द से अर्थ कि अंत्यार्णा पूर्वर्ण अंत्या अंत वर्ण पूर्ववर्ण उपधा उच्य वो सभी जानी कुत आगत प्रश्न प्रश्न आगत अस्माक पारिभाषिशब्दी तथे तक सगत उपधित शब्द से व्याण किय लिखित अस्त तदिपूपे ज्ञात अलो अदूर्व उपधार वद पुनरेक सम्यकूपेण स्मर तो अलो अंत्या उपधा तूत्रमें आगछति एक उदाहरण बदमी राजद अस्त कि राजन यदा वह पशा अतः राजजन शब्द से उपधा कि उपधित शब्द से अंत्यार्ण पूर्वर्ण अत्र अतिम वर्ण क्या अन्त्यवर्ण अस्त न हलत राजब्दे अंतिम वर्ण बोलती न हलत नर्ण से पूर्वर्ण कस्त नर्ण से पूर्वर्ण जयमेत जव सर्वे ना तो आ, आ, उपधा, उपधा, उपधा ये के हलर्णा सी ते सर्े हलतवर्णा न तो स्वयं ते स्वरवर्णन सह मिलित होती अतः अंतिर हलंत पुनश्च अतः अतर उपधति अह उपध उपधि वयमेक चिंतम तर बहव शब्द गच्छन ये चिंतयाम चेहत मध्ये त्री अव आगती यहाँ पूर्वस्दाहरण आस ग गछनीतिय मात्र पश्याम गचन्मध्ये कि अन्तिमवर्ण नहल अस्ति छ मध्ये या अ आग भवति सति तथै भन्दकीयम पश्यु स्वकीय लिखन्तु एव अस्तु उपधा इति लिखन्नु अस् उपध अभत्ति चिन्त्याम उपधैति शब्दस ओडिया अर्थ भयो अन्तिमवर्ण र आमे उपधा कइथ अस्तु परवर्ती प्रश्न प्रति गा पिस्कार पिकार पिजुक्कार अवती अद्ती है पश्याम चेत पिजुक्तकार अवति पिस्कार शुद्धमुत्तर पिजुक्तकार पिस्कार आगछति प्रश्न कुत अस्मक सत्वी सदर्भाद आगे परवर्ती प्रश्न अस्त सन्धि सन्धिंपर्के प्रश्न संधि अदृशी विधि वो पदवी बाक्यर्ण विधि अथवा प्रत्या विधि

सहित संज्ञ सियानरक बदला स्मरु तो किंचेद स्मरण स्थपयं वर्णना अतिशत सन्नी सहित संधि नाम कि संहिता अतः सन्धि कि वर्ण विधिवत वर्णयु मध्ये मेलन पद पद वाक्या मेलन पद मेलन अतः किंती तुम्यम वर्ण मेलनम से वर्ण विधि उच्य है परवर्ती अस्त मृग प्लस इन कि मृग प्लस इन भवति इति मृग प्लस इन यदि वश्याम चेहत मृगेण्त पदमें आगछति अग्छति मृग प्लस इन मृगेण आगे पूर्व कदाचि मैं दृष्टि राम प्लस इन भवति राम प्लस इन नेण्ती मृग प्लस इन मृगेण सूत्रमें स्मर् कि अट्कुप नु व्ययवायपी सूत्र पाणीव्याकरणे सूत्र संख्यामें पश्यन्तु अष्टम अष्ट चुरी द्वितीय सूत्रसंख्या इतना सूत्रमी दृष्टुम अर्हती है पाणीव्याकरणतः परवर्ती प्रश्न पशा संस्कृत साहित्यसंद प्रश्न अस्त उंग रचिता कें उरुभंगमित नाटक कें विरचित चुरीक अस्त कालिदास भवभूति कालिदसवूतिभास बाणभट्ट जानम संशय रचनाकार अस्त भास भाषा नाटक संख्या त्रिदशनाटकेसु रामायणस एकमस्ति अभिषेक द्वितीयमस्त शीघ्रं किंचित सामान्यूपूण शीघ्र शीघ्र स्मराम योही अतरा वृष्टी प्रार्धा ध्वनिः कदाचित श्रोतुं न रहन्ति षड् नाटकानि महा षड् न भवति सप्त हां सप्त नाटकानी अस्ति महाभारतसन्दर्भात् नाटकद्वयं यौंधना प्रतिज्ञागंधना अपरमे एक अस्त स्वप्नवासवदत्त अपरम नाटकद्व कथसंद कथसंदर्भात के के ना, कं किम -किम नाटकद्व में तो अभिमक अपरमे एक अस्त चारुदत्तमी यानी महाभारतसंदर्भे नामानि तेसा किचि स्मर एक उभंगलचरित पंचरात्र कर्णभारम एवं भवन्ति एव

अभिज्ञानशाकुत पुनश्च परवर्ती समय आगछति मलविक्नि पुनस् विक्रमोर्वश्यम इतनी खंडकाव्यवस्थुसहार अरमे एक न खंडकाव्य मेघदूत अनतर भवूतीम की कृतिमस्त कि मालतीमाधव महावीरचर उत्तररामचरत उत्तररामचरित पुनस्मीरचरितभय कि श्रीरामचंद्रस्व प्रशंसा बाणभ से कृति प्रस प्रसिद्ध इति प्रसिद्ध कथा कादंबरी वास्तविकेण गव्यमस्थ कथा द्वितीय आख्यायिवती हर्षचरतमी तथा पर चंडीशतकमित एवं सामें सामप किसुभंग से रचयिता भाषा हैवर्ती प्रश्न अस्त अस्थिपे आरब्ध काव्यम कि अस्थिपेन यद्य आरंभ होती तव्य से नाम कि अथवा रघुवंश अथवा नैषधीयचरित अथवा कुमार अत वक्त शक्ल्प कि अस्थि का इति पदेन प्रारब्धम काव्यम अत्र प्रश्न कौनती शक्ति अन्य ये अन्य ये विकल सानी वो चर्चा करूं अर्म शक्ति पशा चेतर प्रमुख कृतयः भवन्ति कालिद अस्त रघुवंशु ऋतसंहार पर एक अस्त कुमारसंभव वे अस्ती अस्ती कुमार एत, तो जानी अस्ति पदन प्रारब्धम काव्यम कि अस्ति पदेन प्रारब्ध काव्यमती अस्मक कुमार तो सन्देह नस्त अनेसा कि कवि ये तेज अभी सामे ज्ञात कदचि प्रश्न भी तुम सन्दर्भेश भविष्य यथा ऋतुसंहारः इति ऋतुसंहारे प्रारम्भिकसमये का कस्य प्रारंभसमे विषये वर्णनं विषय न ग्रीष्म विषये विषय भवति अत्र प्रथमश्लो श्लोके किं भवति प्रफुल्लकृत अंकुरा तीक्षणसायकाहारचे प्रफुलु प्रफुल्लकुत अंकु अंकुरा तथैव अधिकं चर्चां न यदि वयं पश्यामः रघुवंशस्य रघुवंश प्रथम श्लोक अथवा किं भवति न रघुवंशा मंगलाचरण आगछति अनम वगाथी संप्रृक् वागर्थो प्रतिपत्ते जगत पित वंदे पार्वती परमेशर तघुवंश्य महाकाव्य से मंगलाचरण नैषधीयचर यदि वे पशा चेहर नैसधीय तो कृति वह जानी नैसधीय मुख्यूपेण की श्रीहर्ष से कृति अस्त तत्रि मंगलाचरण की कि वजती निपीय खिक्षिण कथा दीयु सुधाम अपी एत तत्र नैसधीय चरितस्य मंगलाचरणं भवति अस्ति इति पदेन किम् अस्ति कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति अस्ति उत्तरास्यां दिशि इति तत्र मङ्गलाचरणं भवति एव अनन्तरं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः वृष्टितु आरब्धा मालतिमाधवम् एकं किम् अस्ति मालतिमाधवं वास्तविकरूपेण एकं किम् अस्ति वयं तु जानीमः एव मालतिमाधवम् अस्माकं किं भवति मालतिमाधवम् अस्माकम् एका किकरण बमरंत एक मलतीमाधव कि प्रकरण होती है अतर अंकसख्या कदाचि प्रशुम अर् अकसंख्या कि अस्मा अंकसख्या दस कदाचि मालती मलतीमाधव एकम, से मा रचनाकार का अस्ट अंत स्मणी मालतीमाधव रचनाकार होतीभूति अनत अग्रे ग मैं बहुवार सन्देह मलतीमाधव मलवीक अग्निमध्ये अस्त परवर्ती प्रश्न अस्त दंडीन दंडीन उपमा अर्थगौरव श्लेषमय प्रबंध अथवा पदलालिथ्य श्लोकमेक बतामी स्मर कदाचि परीक्षासु श्लोकम् श्लोक उपमा कालिदास अर्थगौरव दंडीन पदलालिथ्य मघे सी त्र गुणा अर्थतार उपमाती कालिदस उपमा कालिद भारवे अर्थगौरव पुनस् पदलाली दंडी एय कभी उपमा अर्थगौरव पदलालिथ्य मघसे सभी कमेंट बॉक्स मध्ये वो इतनी दस प्रश्न सी शीघ्राशीघ्र कर्मुं प्रयत्न कूम यही वृष्टि आरब्धे समस्या कादंबरी एका का अस्त वास्तविकेण यशा चेत बाणभभ कृति होती कादंबरी पुनस् कादंबरी अस्माकं कथा कि स्मर कादरीका का कादंबरी कथ एक स्मरण भवति कादंबरी एका कथा अनम ग भागद अस्त कथा भवति आख्यायिका का अस्ति आख्याय भवति श्रीहर्षस्य जीवन श्रृंगार शतकस्य प्रणेता कृंगारशतक यदि वो प्रणेता पशा श्रृंगार शतकस्य प्रणेता भर्तूरी की शतक्रम होती श्रृंगार शतकं वैराग्य शतकं पुनस्तक ग्रंथ अस्थ व्याकरण पुस्तक अस्त नम कि न वाक्यपदीय प्रकारे तरह कदाचि व्याकरण आह योजयाम चेत चतस कृत जयदेव जानी जयदेव से कृति अस्माक उत्क प्रसिद्ध वह तो तुम जानी गीतगोबिंद में पुनस त्रिविक्रम भट्ट चंपूव प्रसिद्ध

तत्र पशाचे द्वादसर्गा सांग नाम प्रत्येकसर्गा नामविषयी अह बथमसर्ग असती सामोद दामोदर पुनश्च मुधमधुसूदन पुनश स्निधमधुसूदन सकाक्षपुंडरिकाक्ष पुन्च दृष्टवैकुठ नागरनारायण विलक्षलक्ष्मीपती मुग्धमुकुंद सुप्रीतः सनंद गोविंद प्रकारेण पीतांबर किं प्रकारे ती होती तत्र त्रेंव अग्रे परवर्ती प्रश्न प्रति गच्छामः त्रिविक्रम भट्ट काम भट्ट वो पशा तक त्रिविक्रम भट्ट कृति होती क्षण त्रिविक्रम भट्ट कृति नलचंपूत स्मर तो व्रम भट्ट कृति का नलचंपू इति परवर्ती प्रश्न प्रति गच्छा त्रिविक्रम भट्ट से नाम प्रसिद्धी कृति अस्त नलचंपू इति तस्मत श्रीहर्ष से नायिका दमयती कस्य कन्या एक कदाचित परीक्षासु आगछतिष काव्यस्य नायिका दमयन्ती प्रसिद् काव्यंती कि श्रेयर्ष से काव्य प्रश्न कौती श्रेयर्ष से नायिका दमयती क्यों प्रदेश से कंती कन्या अर्ती नैषधीयचरिता प्रश्न आगे विदर्भ निषद अंगद अंग से अथवा कौशल से पशा चेत सकल किेयर्ष से नायिका बवती प्रश्न दयायक प्रश्न भविमर् नायक विदर्भ भवति क्षम्यतादर्भ नरेस तस्य पुत्र पुनः एक विषय अस्त नायक अकविकपेण नैसदीयचरिता गृहत अत्र जुधिषि संवाद ससंग आगे जुधिषि पृछति मदसदृश कस्त यदुखेंपनोति तस्वीर वजती स अत्र साक्षात् उत्तरमेव पश्यन्तु विदर्भस्य काव्यस्य नायिका दमयन्ति क कन्या भवति कुत्र तु, इत्युक्ते विदर्भस्य कन्या भवति अनन्तरमस्ति इतोपि नायकः अत्र नलः भवति नायिका तु दमयन्ति वयं ज्ञातवन्तः अग्रे पुनश्च चर्चां कुर्मः एव दण्डिनः प्रबन्धः दण्डिनः प्रबन्धसङ्ख्या त्रयः भवति वृष्टिकारणात् सामान्यध्वनिः अभिमन्तः स्व श्रोतुं न अर्हन्ति इति चिन्तयामि दंडीन प्रबंध दंडीना प्रबंधत्रस् अवंतीसुंदरी पुनच्चंदरीकथा अनंतरमस्त संस्कृत साहित्यक्षेत्र काव्यादर्श है दसकुमचर से यदि नायक पशा राजनीतर नायक बोति पुनच वास्तवण दसकुमी गुणाढ़णनाव अवंतिसुंदरीक पशा चेहद वास्तविकेण अपूर्ण काव्यग्रथ का काव्यम काव्य अत्यंत क्लिष्ट शब्द भी तरह वर्तंत परवर्ती प्रश्न पुनः व्याकरण सन्दर्भात अस्त पति इति पंचमी एक वचन किं भवति पते पत्यु पत्यु अथवा पत्यु वक्त अर्हति पुनः व्याकरण सन्दर्भात प्रश्न आगछति पति शब्द से किमस्त पंचमी एक वचने किं भवति वक्त अर्हति पति शब्द से पंचमी एक वचने भवति

अत कवलमस्मक स्थपनीय पंचमेकने की कि पत्युति पत्शब प्राप्त अर्हति इदम नपुंसक द्वितीय बहुवचने कित इमान इमानी अमूनी द्वितीय बहुवचनेदम शब्द से कि इनी इदम इम इमनी शुद्ध होती परवर्ती अस्ति चतलिंगे द्वितीय यम किं भवति चु र चतस अथवा चतुर्षुषु सम्यकुदर इति भवति पूलिंगे चुर चतर चु चत चुरी नपुंसकिंगे परवर्ती प्रश्न अस्त इंद्र स्त्री इंद्र से स्त्री की भवति ऐद्री इंद्राणी सची अथवा ईंद्र वक्त स्त्री का इंद्र से पत्नी का अथवा ईद्र से स्त्री सब्यकुदर वक्त शक््रत्री का इंद्री इंद्राणी अथवा सची अथवा ईद्रमी पशा चेतर इंद्र से स्त्री की इंद्राणी इंद्र से स्त्री इंद्राणी सामेक परवर्ती अर्थ अंतिम प्रश्न पशा किचि वृष्टिकाराव तचिद व्यव नेमी न शक्म तदाक्य तत्ता आकण्य तत आक्य तम आकर्ण्य अथ तथा आकण्य पश्वे तम्यक्तर की तुक्ताकर्ण्य तथा विकल्प भवति अस्त इतोपि किंचित चर्चा करी आस वृष्टिकार अकं कर्म वक्त पुनः आगामी सत्र इतनी किचि व्याख्याँ पढ़ा है जय जेतु भारत बद संस्कृत वंदे मतर धन्यवाद शुभरात्रि